तो इसका क्या निकाले? मोसो। अब एक विधि हम लोग जानते हैं बचपन वाला, आशा करते हो सबको पता होगा, नहीं पता रहेगा हम उसको भी लास्ट में बता देंगे, रिप्लेम में मुख फोकस पर आते हैं। लेकिन इसमें एक लाइन जोड़ देगा, 60-130 का मोसो निकाले, लेकिन कौन विधि से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करके। यहाँ लिखो, दिक्कत है, जैसे क्वेश्चन देगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करना, तो यहाँ लिखेगा चरण फास्ट। क्या लिखोगे? चरण फर्स्ट, मतलब जो जो हम काम करेंगे चरण बाई चरण करेंगे, है कि नहीं? एक सेट बनाएंगे आगे, चरण फर्स्ट में पहला काम ही करना है, दूगो में जोन देल रहेगा, दूगो में जोन देल, उसमें एगो के ए मानना है, एगो के बी मानना है, एगो के ए मानना है, एगो के बी। अब तुम लोग का दिमाग टेस्ट करते किसको ए माने किसको बी माने। अच्छा, सबसे बड़ा हमेशा कौन रहेगा? भाजन रहेगा। तो ए हमेशा मानना है बड़का को, किसको मानना है? तो बड़का कौन इसमें? अरे कितना है? भारी बात बता रहे हैं बच्चा, नियन भाग लगाओ, 60 से भागा 130 जितना देगा। अभी हम छोटा एग्जांपल लेकर चल रहे हैं, तो बताओ कौन आदमी लगेगा? 120 कितना आएगा? 10। इतना करके छोड़ देना, इतना करके छोड़। अब लिखना है यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, क्या लिखोगे? अब हम पूरा लाइन ना लिख के इसे ऐसे कर दें, समझ जाओगे ना? अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का कहना है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान कितना रखेंगे? 103। बी का मान कौन होगा? क्यू का मान कौन होगा? आर का मान 10। यहाँ को दिक्कत है, ये बैठाने भी थोड़ी देर पहले सिखाए थे ना। अब यहाँ पर बताओ क्या आर जीरो आया है? अरे कहीं आर जीरो आया है, यानी आर इज इक्वल टू नॉट जीरो। जब तक आर जीरो ना आवे ये प्रक्रिया दोहराते रहना है। क्या करना है? अब प्रक्रिया दोहरावे में कुछ अलग करेंगे तब तो नहीं आएगा। तो अबरी जो आर आएगा, अबरी जो आर आएगा उसको बी मानेंगे, उसको क्या मानेंगे? और जो जिससे तुम भागा दिया था वो होगा ए। क्या होगा? यानी अगला चरण कौन आएगा? चरण दो, चरण दो। इसमें एक किसको मानेंगे? जिससे तुम पिछला बार भागा दे चुके हो, किससे दिया था? 60 से। किससे? 60। और इसमें बी किसको मानेंगे? जो जो बच गया, जो कितना बच गया है? आया समझ में? आ रहा बाबू? फिर क्या करेंगे? 10 से भागा 60 में, 10 से भागा कोदान में, बच कितना गया? जीरो। फिर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, आ रहा लिखने, उसके बाद लिखोगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए के मान यहाँ पर 60, अब बी के मान 0, है कि नहीं? यहाँ पे आर क्या आ गया? आर आ गया। जैसे आर जीरो आएगा हम आराम के सांस लेंगे, आराम के। हाँ भले आंसर आ गलो, क्यों अगलो? अब देखो नीनू, जो तुम्हारा आंसर किसमें आया था, मतलब जहां पे तुमको जीरो आया था, ठीक है, उसका जो तुम बी माना था वही HCF होगा, वही क्या होगा? HCF। तो बताओ इसका बी कितना माना था? 10। माना था कि नहीं? तो लिखोगे अतः किसका किसका? 60 और 130, 60 और 130 HCF, यही HCF लिख देते हैं। HCF बराबर कितना होगा? 10। क्योंकि किसके कारण जीरो आ गया? 10 के। अब तुम लोग को बताएं, इतना जो कर रहे हैं बुद्धू बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं? देखो कैसे बुद्धू बनाते बताते हैं। बुतरबन तुम कैसे बनाता था? 60 से भागा 130 आधे कोदान में लगाता था, तो यहाँ आ गया 120, कितना बच गया? फिर ऐसे वो खींचता था आधे ने, इवला यहाँ उतार देता था, छोदान में कितना आ गया? बताओ बुद्धू बनाए कि नहीं? को कैसे ये भागवा ऐजा कर दिए, अब ये भागवा एजा कर दिए, और एक आदान रहता तो उतार के एजा कर देते, और रहता तो एजा कर देते, बुड़बक बनाया जा रहा है, दसवां की क्या किया जा रहा है, तो सतर्क रहो। नहीं आवे समझ में तो चरण एक में एजा लिखना, फिर अगला चरण दो वाला एजा लिखना, अगर एक आगार एजे खत्म होंगे तब ने। अब तुम क्या कहता था? ये मोसो है कि है? वह बता, हम भी बोले कौन सी है? मोसो। आया समझ में? तो दसवां बस इसको खाली सिस्टमिक रूप से बैठा दिया है, क्या किया है? बोलो कोई दिक्कत है? अब इस पर तुमको बन जाएगा, अरे बनेगा। चलो एक और एग्जांपल लेते, जिसको उतारना उतारो, उतारने से बढ़िया रहता है खुद से बनाओ, क्वेश्चन लो और बनाओ, देते हैं क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन बनाओ, तो तुम लोग लो 135-225 लो, तो क्वेश्चन 135-225 चलो बनाओ, इसको फटाफट बना दो।
तो इला तुम लोग से बन गया होगा, जिसे नहीं बनाओ देखते हैं यहाँ पे क्या क्वेश्चन था। क्वेश्चन को ऊपर में लिख देते हैं ताकि हमको बनाने में क्या हो आसानी। क्वेश्चन में था 135 और 225। जिसको नहीं आया बाबू, जिसको आ गया वो तेज बुतरू, कौन बुतरू, और जिसको नहीं आया वो हमर कैटेगरी वाला, कौन कैटेगरी वाला, बुड़बक, हम बुड़बक के थे, ठीक है, हमको बिना दो बार में समझ आने वाला चीज़ें नहीं है। तो आओ अब हमर कैटेगरी वाला देखेगा, ये दोनों में पहले बताओ बड़ा कौन है। पहले लिखेंगे चरण एक, चरण एक मतलब पहला काम, कौन काम, चरण नहीं चरण, चरण एक चरण एक में दो काम, पहला काम में ही कि बड़का छोटका पहचानना है, तो इतना बुतरुत नहीं होगा, हमको भी समझ में आ जाता था बड़ा कौन है 125 और जो चीज अच्छा सॉरी इसमें बड़का कौन है 225, तो इसको मान लेंगे ए, इसको क्या मान लेंगे 225, एक भाज को बोलते थे आगे, और जो छोटका रहे उसको क्या मान लेंगे 135, 135। लाइट भुका रहा है मतलब कुल का समझ में आ रहा है, समझ रहे हो ना, वो हिंट हमको देता है। आगे देखो अब यहाँ पे हम कुछ नहीं करते हैं, भाग करते हैं, क्या करते हैं, तो बी से भाग किस में पड़ता है ए से, बहुत बार बताएं बी से भाग किस में पड़ता है, तो 135 भागा 200 हमर नियर का है, देख कोलन में लगेगा तो यहाँ आएगा 135 बचेगा 90, कितना बचेगा 90। फिर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, इतना लिख दिया ने। उसके बाद इसका फार्मूला क्या था, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। हम इसके बारे में पहले बताए थे बाबू कि ए बोलते हैं बिचला को, ए बोलते हैं बिचला, नहीं पता है देखो यहाँ तुम माना भी है, माना है कि नहीं, बराबर बी किसको बोलते हैं, क्यू किसको बोलते हैं, ए, आर अंतिम में जो बच गया, क्या तुमको लगता है कि आर जीरो आ गया है, नहीं आया, तो यहाँ पे कर देंगे आर इजिकल टू नोट जीरो, मतलब अभी हम संतुष्ट नहीं हुए, आर सुनना नहीं हुआ। फिर अगला लिखेंगे चरण दू, चरण एज इतनी कुल भुलाता होगा है कि नहीं, तो देखो जिसको तुम यहाँ पे भी किया है कहाँ पे देखो एगो ई एगो ई, ठीक है, तो ई दोनों अभी ई दोनों बड़ा छोटे हैं, तो सब सबको पता है जुनू से असफल आएगा वो छोटा रहेगा, और जिससे भागा दिए थे वो क्या रहेगा, वो तो पहले बता दिए थे। तो आओ अब इसमें ए और बी किसको मानेंगे, ए बराबर 135, ए बराबर 135, अब बी बराबर, बी बराबर, अब फिर भागा देंगे 90 से भागा 100, कितना साल में आ जाएगा 90 45। फिर कौची यूक्लिड विभाजन एल्गो रिथम से, यूक्लिड विभाजन ए बराबर बी क्यू प्लस, ए बराबर बी क्यू प्लस, ए के जगह कौची, बी के जगह कौची, क्यू के जगह पर, और आर के जगह पर, फिर आर बराबर क्या हो गया नोट जीरो, आर बराबर नोट जीरो, तो फिर कौची करेंगे चरण, तब तक पैरवा नहीं पकड़ेंगे, चरण मतलब क्या होता है पैर, जब तक कि तुम क्या नहीं हो जाओ जीरो, क्या नहीं हो जाओ जीरो, तो जब तक चरण नहीं छोड़ेंगे जब तक पैसा मिल नहीं जाए है कि नहीं। बच्चा में कोई आता था ने तो हुलकते रहते थे आग लो, अब मतलब आवे के घड़ी खुशी तब तक जब तक मिठाई मिल नहीं जाए, फिर दो तीन घंटा गलबात बड़ा बड़ा बोरिंग, फिर जाए घड़ी बड़ी खुशी आहे पैसा है, चार बार अगुआस पार होते थे कहीं है ना, हाँ तो पढ़ो पूछता था पढ़ो नुनू, अब पैसा देता था फिर तू कहाँ हम कहाँ, वो अपन घर हम अपन दुकान है कि नहीं, तो उसी प्रकार जब तक यहाँ आर जीरो नहीं आवे, आर तब तक छोड़ना नहीं है, तो अभी एक किसको मानेंगे तुम ही लोग बताओ, तो 90 के कि 45 के, ककरा मानेंगे, और बी फिर उसी गोला पकड़ेंगे फिर भागा देंगे 45 दूनी, देखिए हम भागवन लिखा लिया भागा होगा दे दिलिए 45 दूनी कितना आ गया जीरो, फिर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ए बराबर बी क्यू प्लस, ए के मान 90, बी के मान, क्यू के मान एक, क्यू के मान, आर के मान
हाँ आर इज इक्वल टू जीरो, पैसा मिल गया है, देख रहा है गूगल का पैसा मिल गया, मिल गया कि नहीं। आप कहेंगे कुछ नहीं आता, और हाँ दिख रहा है थोड़ा ऊपर में, तुम समझ गया होगा है कि नहीं, ऑनलाइन वाला समझदार है। अच्छा रुको हल्का कैमरे पे पीछे कर देते हैं। आ जाओ नीनू, अब दिख रहा है ने, अब देखो क्या आ गया, आर इज इक्वल टू जीरो, क्या मिल गया पैसा, आ गया अस्माइल। तब तुम लोग लिखोगे अता, ऐसे था लिखेगा किसके बारे में, 225 और 135 का मोसो, 225 और 135 का मोसो ऑफ 225 135 बराबर कितना, जीरो। ये कहाँ पर तुम क्या माना था, बी देखो 45, क्या माना था, यहाँ आ जाएगा 45।